कबड्डी दे वास्ते बिल्कुल चार बार तैयार है। यह नौजवान मोहम्मद अबूबकर डोकर, मोहम्मद अबूबकर डोकर वालों पहली कबड्डी एच ई सी वालों पेगी। ये जवान लोकल सतह से मेरे क्लब गिलानी कबड्डी अलगौसिया गिलानी कबड्डी क्लब की नुमाइंदगी कर रहा। इस वेले पूरी दुनिया दी नजर इस नौजवान से आ। पुलिस की तरफ खिलाफ पहला धावा पारने वास्ते जा रहा नौजवान खिलाड़ी एच ई सी टीम का कप्तान आ। 21 साल इस नौजवान की उम्र आ, 105 किलो वजन है। इस वेले पाकिस्तान के तमाम सिलेक्टर नजर अबूबकर डोगर के उत्ते जमिया हुई हैं। अल गौसिया गिलानी कबड्डी क्लब की नुमाइंदगी करने वाला नौजवान पंजाब पुलिस की खिलाफ धावा पा रहा। चार जाफियां की बनी संगली, एक दो तीन नहीं, असी चार हाँ भरा। जिहड़ा चंगा लगता तू हथ उस नूं ला। डबल टच फरीद खान का इशारा, कहते मैं लड्डू वंड की कचहरियों आवा जे पहली पेशी यार छुट जाए। इधरले पासे कबड्डी पाएगा नौजवान जो गुजरांवाला दी धरती का बाबर शेर खिलाड़ी है। सामने उस्मान बट गया जांदा है और नित नहीं मामा चिश्ती जमने ना ही ए महला जट आ देखना है ना मुशर्रफ सजाद ते लाला ना उस्मान बट। ना उस्मान बट ने टेक्निकल नंबर अपनी टीम के हिस्से जोड़े है। लो पंजाब पुलिस एक नंबर, हायर एजुकेशन कमीशन एक नंबर, नंबर बराबर जी। एक कैसर गुजर मंडी बहावल दीन का इलाका है नौजवान का, कहते अशरफ गोंदल साहब के इलाकाई उतों का कहते लोकल खिलाड़ी है। इधर देख रहे हैं सामने वो चारे जापी ने इरफान म्यू और सामने तैयब बाला और कौन टच करेगा लगा जी इरफान म्यू इसे गंजे पिंड की धरती का लाहौर का लो नंबर हो हायर एजुकेशन कमीशन की टीम का। चल भाई मुंडे पा कबड्डी दूसरे पासे नौजवान खिलाड़ी काशी बलोच फजल अब्बास इस नौजवान का नाम आ। प्यार दा काशी बलोच कहिंदे आ नौजवान खिलाड़ी। दरम्यान चो निकल के लगा काशी बलोच भी इस वेले बहुत तेज तरीन खिलाड़ी आ। पंजाब पुलिस की नवी भर्ती आ, सिलेक्टर ने इन्होंने पहली दफा पंजाब पुलिस की टीम के शामिल किया। काशी बलोच पॉइंट लैण के कामयाब हो गए। गलानी साहब यह नौजवान कहते उम्र घोड़ा और मापिया ने तो हमेशा ही घोड़े ना रखे ने, कोई किसी शेर आख्या है किसी घोड़ा आख्या है, पर आओ नहीं मैं संधु नाल टक्कर हुई। और सीनियर खिलाड़ी ओ पारस ओ संधु लंबरदार का पुत्र पॉइंट जापी के हिस्से पॉइंट दसिया गया है कि पंजाब पुलिस टीम के हिस्से। जिंदाबाद जी मोहम्मद उस्मान भट्ट। किसी कबड्डी के कोई इनाम मिलया, किसी नूं कबड्डी दे विच कोई इनाम मिलिया, इस उस्मान भट्ट नूं जुल्फकार चीमा साहब ने गुजरांवाले विच खेलदे होया पुलिस वर्दी इनाम दिती और इस मैच इत्थों खुश हो के इहनूं पुलिस दे विच भर्ती कीता। मोहम्मद उस्मान भट्ट भारी भरकम शरीर आ, ताकतवर आ, जवानी बिल्कुल आई हुई आ। मोहम्मद अबूबकर डोगर फिर एक बारी डोगर आया वारे दे उत्ते। अगे चार जाफी आ तजर्बाकार जाफी पंजाब पुलिस ने, वेखो किहदे नाल हुंदा टच, हल्का जिहा फुलर का टच मारिया मोहम्मद अबूबकर डोगर ने, पॉइंट लैण दे विच कामयाब हो गया एच ई सी वास्ते। जी आप जी जी कबड्डी पाएगा नौजवान फिर पंजाब पुलिस का खिडारी। ओ कहिंदे अज ते हेठली उत्ते आउण वाली गल ए, आओ पढ़े लिखे मुंडिया ने फिर के पुलिस के खिलाड़ियों रोकने की कोशिश की। लो पुलिस अज तक दुनिया नू रोक नहीं आई, अज रोकण वाले अगे आए पर सुनिया नहीं। असी जो जाना चाहते हैं सानू जाना होंदा। कबड्डी पाएगा गुजरां दा पुत्र। चल भाई मुंडिया खालिद नबी निंद्रा जी तवज्जो करनी इस नौजवान के बारे ते। नौजवान सामने कैसर गुजर और सीरिया पेंडे लाओ टच किया और तैयब वाले ने धक्का मार के बाहर सीटे है। पॉइंट पंजाब पुलिस टीम वास्ते शाने अली अपने इस वाइस कप्तान नू शाबाश दिंदे हुए। अगली कबड्डी काशी बलोच हो सदके ओ कल कल्ले पठान नहीं हुंदे, आर्मी दे विच पठान बड़े ने, ओ पुलिस विच बलोच भी बड़े ने। लाओ बलोच नंबर दा कीता वादा पंजाब पुलिस वास्ते, एक नंबर दा कीता वादा। आ भाई मुंडिया पा कबड्डी इधरले पासे उमर घोड़ा उच्चा लम्मा काते कहिंदे इहसान वट्टू जिहड़ा घोड़े दे नाम नाल जाणिया जांदा है। अज इह उमर घोड़ा है जिहड़ा सोहणियां कबड्डियां पाउण वाला इह नौजवान आ देखांगे
नईम संधु के नाल टक्कर बल्ले बल्ले ओमने वाले पिंड वालिया इमरान संधु का वीर आओ मैं आ गया नंबर नंबर होया रेडर का नंबर इसलिए पंजाब पुलिस के आपोजिट गया खिलाड़ी ने जेडे हायर एजुकेशन कमीशन देख और ढिलुआ का पुत्र शान ढिलो नंबर जनाब उस्मान जी फिर कबड्डी के उत्ते नौजवान खिलाड़ी मुहम्मद अबू बकर डोगर चल ये अबू बकर डोगर वेखिया किसी जमाने मुहम्मद असलम डोगर जड़े आ इस तरह 25 सालों कबड्डी खेलते होंगे थे इंशाअल्लाह अगली नैशनल चैंपियनशिप अबू बकर डोगर भी किसी डिपार्टमेंट वालों खेलेगा धक्का मारिया तैयो वाले ग्राउंड के बाहर और अरफान मियोन और पॉइंट लै गया जनाब मुहम्मद अबू बकर डोगर दूसरे पास पंजाब पुलिस का नौजवान ते चार जाफी पढ़े लिखे एचईसी की नैशनल कबड्डी चैंपियनशिप के अच्छ एचईसी की टीम ने पहली दफा कुआ पुलिस के नाल मुकाबला कर रही है और बड़ा अच्छा कोशिश की पॉइंट नहीं जी नहीं पुलिस भजिया नहीं जान दी जी पुलिस गुजरां दा फिर आ गया चल भाई मुंडिया पा कबड्डी के जहरा वर्गी होवे जेकर खंड नहीं चंगी होंगी इको घर वक्खो वक्ख गंढ नहीं चंगी होंगी लाओ गुजर आया वापस हाथ ला के कबड्डी एक नंबर का किया वादा हायर एजुकेशन कमीशन वास्ते कबड्डी पाएगा सामने आओ काशी वटू उत्तों ही लंघ गया मुंडा लाओ सुभानवे नाल टक्करे एक काशी बलोच कहते मुंडे ने लाटा वाले मेले से भी धन धन कराई आ वेखांगे कबड्डी चल भाई फिर एक बारी कहते नौजवान उमर घोड़ा चल भाई सामने उमर घोड़े की कबड्डी बिल्कुल साढ़े कमेंट्री बक्स के सामने तैयब गिलानी जी कबड्डी पई इस नौजवान भी चार ही फड़ना चाहते ने पर इतने कले कले की गल तैयब और सामने नईम संधु और संधु इधर आने बड़े बड़े ये इंज नईम संधु ने फड़िया जे मैं मोबाइल लैके जाते पुलिस वाले 15 वाले डाला पकड़ता भाई जी मोहम्मद उस्मान भट्ट भारी भरकम शरीर है इस नौजवान का गोरा नशो शरीर और इंटरनेशनल वड्डा तजर्बा रखता होया गुजराले की धरती के नाल तलक पंजाब पुलिस की करता होया कप्तानी अगे चार जाफी आ शान ढिलो ने हल्का जहा चुकया होया गिटा फाड़ने की कोशिश की हुई है लेकिन नहीं वो लभना लाल गुआचा मिट्टी ना फरोल जोगी आ नहीं वो लभना लाल गुआचा मिट्टी ना फरोल जोगी आ दूसरे पास फिर मोहम्मद अबू बकर डोगर डोगरा का पुत्र है 208 चक फैसलाबाद का एचईसी के नाल तल्लक आ फैसलाबाद के लोकल मैच जड़े आ मेरा अलगौसिया गिलानी कबड्डी क्लब की नुमाइंदगी करता और पॉइंट लैण च फिर कामयाब हो गया मोहम्मद अबू बकर डोगर हर बैंक में सिलेक्टर दी इस वेले अबू बकर डोगर के उत्ते नजर आ इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों च यह नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान का सब सलाली परचम दुनिया के कोने कोने से रोशन करेगा दूसरे पास पुलिस वालों फिर पई हुई कबड्डी हल्का जहा चुकिया नौजवान गिट्टा पड़िया पकड़िया बगल भरी कैंची मारी कहते जो हो बंदा कैंची दे विच घुटिया फिर उस वेले नहीं हो जाता छुटिया जफा चज नाल जे लग जाए तो गंढ पूरी पूरी बच जाए फिर एक पैर भी नहीं हो जाता पटिया अवैस रोटी इस नौजवान कहते हैं एचईसी की नुमाइंदगी करता हुआ नौजवान का ना कहते कैसर गुजर चल भाई मुंडे गुजरां दे आपां रेड और बड़े बड़े गुजरों ने अपने वक्त दे विच जवेद हाथी वर्गिया ने नाम रोशन किया उस इलाके दे यासर जवेद हाथी ने नाम रोशन किया सदके वाला साहब ओ सदके जाइए आ देर चोरी अंसर पतला साहब ए वाले ने पुत्र ने जप्पा किया और पॉइंट ऐसे पंजाब पुलिस टीम वास्ते ओ खल जिसे तो पूरी ना लैण दिती तू ते पीड़ भी रज ना सहण दिती मेरे कोलों जे चंगी ना हो सकी खैर कसर से तू भी ना रहण दिती खैर कसर से तू भी ना रहण दिती लो कबड्डी फिर उतरले पासे ओ पंजाब पुलिस का जवान कहते डबल टच बदले अपना इशारा के पॉइंट होया पंजाब पुलिस टीम वास्ते अज दा ए पंजाब स्टेडियम दे विच ए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कामयाब जवान बतालवी कौमी कबड्डी चैंपियनशिप और जिदा तीसरा दिहाड़ा अज वड्डे वड्डे खिलाड़ी
सामने आ देखांगे नौजवान दी कबड्डी कहिंदे ना है उमर घोड़ा चल भाई सोनिया आ देख अजे कहिंदे टच हो रहा ओ नहीं मसंदू अज पूरे फॉर्मां दे विच वड्डा खिडारी है लांबर ते इंटरनेशनल लेवल ते एक खेडण वाला नौजवान नंबर वादा है हायर एजुकेशन कमीशन चल भाई उस्मान बट फिर कबड्डी पाएगा और सदके जाइए हैदर शाह जी तवज्जो करनी अपने सीनियर खिलाड़ी दी आ उस्मान बट ओ जिहड़ा पुलिस दी टीम दा कप्तान ओ जिहड़ा चंगे किले गुजराल दे नाल ही पिंड है चंगी मोहम्मद अबू बकर डोगर चल डोगरा पा कबड्डी अगे चार पुलिस दे नौजवान बिल्कुल दीवारे चीन बनी हुए आ डोकर ने वध के लाया टाचे कन्नी वाले नौजवान नूं लेकिन बहुत ही आराम ना सुकून ना पॉइंट लैण दे विच कामयाब हो गया मोहम्मद अबू बकर डोकर चिट्टे रंग दा पाया होया कच्छा कहिंदे चिट्टी चादर ना सुट कुड़िए ते पहन फकीरां वाली लोई चिट्टी चादर नूं दाग हजारा ते लोई नूं दाग ना कोई लोई नूं दाग ना कोई पहली वाटर ब्रेक ते पॉइंट पोजिशन कुछ इस तरह वा एचईसी दे 10 पॉइंट आ और पंजाब पुलिस दे 14 पॉइंट आ चार पंद्रह पॉइंट जी पंद्रह और चौदह का पांच पॉइंट का फर्क है पहले वाटर ब्रेक दे विच एचईसी दे 10 पॉइंट और पंद्रह पॉइंट है पंजाब पुलिस दे कहिंदे कबड्डी कम नहीं यार पे जुड़तियां दा जरूरतमंद बंदा बाजी मार जांदा पीड़ा विच खादियां खुराकां ने कम आना खाता पीता मैदान सवार जांदा जिहड़ा कोच उस्ताद दा चंडिया है गल अपनी पीढ़ी घलियार जांदा ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੇ 12 ਦਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੇ 12 ਦਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜੇ ਤਾਰਾ ਤੇ ਹੈਦਰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਹੈਦਰ ਮਰਹਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੂ ਏ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਚ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਲੋਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲਾਈ ਲੱਗ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਗਦਾ ਏ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਗਦਾ ਏ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਗਦਾ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ 16ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ 10 ਤੇ 16 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸਰ ਗੁੱਜਰ ਆਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਈਏ ਬਾਲਾ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਬਾਲਿਆ ਉਹ ਗਪਾਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਈਏ ਬਾਲਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤਗੜੇ ਜੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਸਰ ਗੁੱਜਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਓ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਪੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ ਤਈਏ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਲਣ ਆਇਆ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਬੱਟ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈਆਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੀ ਉਮਰ ਘੋੜਾ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਟੱਚ ਕੌਣ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਈਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਈਮ ਸੰਧੂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ ਬਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰੇ ਜਾਪੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਜੇ ਗੁੰਜਰੀ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਛੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸਾਂ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵਣ ਖਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕਿਯੂਮ ਡੋਗਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਵਕਤ ਡੋਗਰ ਆਹ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਓ ਮਿਊ ਸਾਹਿਬ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਿਆ ਇਸਲੇ ਐਚ ਈ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਲੋ ਕਾਸ਼ੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਚ ਉਹ ਮੋਟੀ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ
आ देखना है काशी नंबर का किया वादा ये भी पंजाब पुलिस का कहते सिलेक्टेड प्लेयर है इधर देखा कैसर गुजर चल भाई मुंडे पा कबड्डी ए सोने रंगिया सूरत ओ सूरज नु शर्मान ए सुचे हीरो कौम दे ए सूरमिया दी शान ए सूरमिया दी शान अरबान व्यू और पक्के मार दई कैसर गुजर अरबान व्यू कैसर गुजर नकीस गुजर वाला स्टाइल बनाया ही गिलानी साहब इस यापी ने लेकिन नंबर रेडर का हो बिल्कुल जी दूसरे पासे पंजाब पुलिस वालों मोहम्मद उस्मान भट्ट गुजरां वाले दी पहलवाना दी धरती चार एच सी के नौजवान आ जो ईशान ढिलों भी मौजूद आ अवैस मोटी भी मौजूद आ बद के टच मारने की कोशिश की लेकिन फजलिया गुजर का इशारा कि पॉइंट हो गया एक बारी एच ई सी का पंजाब पुलिस की टीम के खिलाफ पॉइंट होया ये ही पॉइंट पोजिशन हो गई है 14 पॉइंट एच ई सी और 20 पॉइंट है पंजाब पुलिस के जी आप जी जी छे नंबर की बढ़त नजर आ रही है पहले हाफ का चलता हुआ खेड मलक यासीन के सामने कबड्डी बिल्कुल लाइव देख रहे नेड़े आ देख रहा है मलक साहब थोड़ा देन है कबड्डी को लाओ पंजाब पुलिस का जवान उमर घोड़े को ढाया और पुलिस की टीम वास्ते अख्तर पप्पू की टीम वास्ते एक नंबर का किया वादा चल भाई मुंडिया पा कबड्डी इधरले पासे पा भाई मुंडिया कबड्डी और नई तौर जवाना का बद एक दूजे तो देखो जोर जवाना का देखो जोर जवाना का पंजाब स्टेडियम लाहौर तो दुनिया के वक् वक् मुल्कों के लाइव कवरेज के अपने जरिए साडे कैमरामैन यूट्यूब चैनल वाले साडे वीर लाओ मिर्जा सगीर जलाल साहब देख रहे हैं इस नौजवान का वारा पॉइंट होया क्लीयर चल भाई मुंडिया सरदार अब्दुल कयूम डोगर का पुत्र सरदार अबू बकर डोगर देखांगे कि कीती गल ते अन्ना पैगा ओए हक दी खातर लड़ना पैगा हक दी खातर लड़ना पैगा आओ मैनू लगता है कि ये भी पॉइंट जो है इसलिए मुंडा ये दिल ही छड़ गया कि ਇਹਦਾ ਛੱਡਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਚੱਲ ਬਈ ਮੁੰਡਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗੋਗਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੱਸਣਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਲ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਜਾਪੀ ਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਮ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਦੋਲੇ ਜਮਖਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਏ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਬਿੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਚ ਜੀ ਗਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ ਆ ਕਾਸ਼ੀ ਬਲੋਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸ਼ਹੀਦੁੱਲਾ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ DIG ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਂਡ ਸਰਗੋਧਾ ਰੀਜਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗੀ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ